प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सएल 4.3 और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सएल 4.4। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। हमें एक क्वाड्रेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। कौन कौन से क्वाड्रेंट है? पहला है क्वाड्रेंट DEAR। तो DE है 4 सेंटीमीटर, EA है 5 सेंटीमीटर, AR है 4.5, एंगल E है 60 डिग्री, एंगल A है 90 डिग्री। पहले इसका रफ बनाते हैं। तो इस तरह से है कुछ DEAR। इसमें एंगल E का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, एंगल A का वैल्यू है 90 डिग्री, EA का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, DE का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AR का दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको देखो तो आपको दिखेगा कि इसमें दो इंक्लूडेड एंगल्स और तीन साइड्स, यानी कि हमारा टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन है। कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स बना सकते हैं इसमें हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो लिंक में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टाइप 4 पे पेपर बेस्ड है और हम पहले इसका कितने स्टेप्स उस वक्त इसका डायग्राम भी बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अलाइन सेगमेंट। कितना का है ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आगे
हमें एंगल ई से 60 डिग्री लेना है। तो ये हमने बनाया 60 डिग्री का एंगल पॉइंट ई से। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एंगल ए से लेना है 90 डिग्री। तो हम बनाते हैं यहाँ से 90 डिग्री। तो ये हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल। जैसे ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल टी आर यू की, इसमें टी आर का हमें दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, आर यू का वैल्यू हमें दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, यू ई का वैल्यू हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, एंगल आर का वैल्यू हमें दिया हुआ 75 डिग्री, एंगल यू का वैल्यू हमें दिया हुआ 120। ठीक है, ये रहा हमारा रफ। अब हम इसका पहले स्टेप्स लिखते हैं और इसके बाद फिर से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, align segment of measure 3 centimeters is drawn. It is named as RU. ठीक है, क्या लिखा हमने, एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर का और उसका नाम ले रहे हैं आर यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप, एंगल्स ऑफ मेजर्स 75 डिग्री एंड 120 डिग्री आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स आर एंड यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 75 डिग्री का एंगल बनाना है आर से और 120 डिग्री का हमें एंगल बनाना है यू से। ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लो विद द हेल्प ऑफ कंपास, क्योंकि ये हम कंपास से बना सकते हैं, इसीलिए हम कंपास से ही बनाएंगे। ठीक है,
3.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स आर एंड यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या लिखा हमने? आर हमने ले लिया 3.5 सेंटीमीटर का आर से, 4 सेंटीमीटर का यू से। These arcs intersect the rays of angle R and angle U at points T and E respectively। ठीक है, ये आर्क जो है एंगल आर के रे को टी पे इंटरसेक्ट करते हैं और एंगल यू के रे को ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बना के देखते हैं। ये हमने सबसे पहले बनाया आर यू 3 सेंटीमीटर का, ओके, ये है 3 सेंटीमीटर का आर यू। ओके, नेक्स्ट हमें आर से बनाना है 75 डिग्री। तो पहले हम बनाते हैं ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और इस दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 75 डिग्री का एंगल। दिस इज 75 डिग्री। ऑलराइट, अब यू से हम बनाते हैं 120। तो ये हमें मिल गया 120 डिग्री। थैंक यू।